The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Param ji. Ji haan, mehndi lagane se, kali mehndi lagane se, aapko jaan leva allergy bhi ho sakti hai. जी हाँ, मेहंदी सभी लगाते हैं मुझे पता है, लेकिन जो ओरिजिनल मेहंदी होती है वो नेचुरल हिना जो होती है उससे एलर्जी नहीं होती. जो काली मेहंदी आने लगी है, जो आप देखते हैं काले काले हाथ, एकदम काली रंग की मेहंदी और लगाते हुए भी काली काली दिखती है, ब्लैक है ना, जो है उसमें एक डेंजरस केमिकल हो सकता है जिसका नाम है PPD, पैराफिनाइल एनिडीन एनिडील अमाइन. ये जो है टेक्निकली ये परमानेंट हेयर डाई में इस्तेमाल होता है, बहुत कम मात्रा में, विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि इतने देर तक लगाना है और फिर धो देना है. लेकिन जो काली मेहंदी है जो आप हाथों में लगाते हैं उस में ये बहुत हैवी मात्रा में, हाई लेवल्स में देखा जाता है ताकि और काला रंग आए. अब ऐसे में जब वो स्किन पे लगाया जाता है तो ये टेम्पररी टैटू, टेम्पररी मेहंदी आपको भारी पड़ सकती है. ये लिटरली एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करके केमिकल बर्न्स कर सकती है शरीर के अंदर. कायदे से ये सबको नहीं होती, सबको नहीं होती, लेकिन जिनको होती है उनकी ये बहुत ज्यादा दर्दनाक हो जाता है. अब ऐसे में अगर आपको बर्निंग हो रही है, लगाने के बाद टिंगलिंग हो रही है या फिर दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, लालपना आ रहा है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन है. शुरुआत में ही आपने इसको धो लेना है, इसको हाथ से हटा लेना है ताकि और एलर्जी ना हो, क्योंकि अगर आप फिर भी लगा के रखते हैं तो परमानेंट स्कार तक भी हो सकते हैं. तो बहुत जरूरी है अगर आपको इस प्रकार का कोई, और लिटरली अगर एलर्जिक ब्लिस्टर्स आ गए हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और यह बताना पड़ेगा कि पहली बार हुआ है एलर्जी या इसी तरीके के पहले भी एलर्जी हुई है, बिकॉज इस प्रकार की पीपीडी वाले केमिकल से सेंसिटाइजेशन भी हो जाता है. सेंसिटाइजेशन का मतलब है पहली बार लगाया आपके अंदर उसके एलर्जिक टेंडेंसीज बन गई, सेकेंड टाइम पे और ज्यादा हैवी रिएक्शन हो सकता है. तो अगर पहली बार आपको किसी काली मेहंदी से एलर्जी हुई है हाथों में, तो ऐसे का काली मेहंदी वाला डाई भी आप नहीं लगा सकते सर पे, वरना बहुत ज्यादा हैवी केमिकल रिएक्शंस और एलर्जिक रिएक्शन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, वो हो सकता है सिवियर फॉर्म का और आपको परमानेंट स्कार्स, परमानेंट डैमेज कर सकता है, कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर ये सेकेंड टाइम हो रहा है तो. तो अगर आपको कभी भी किसी काली मेहंदी या कोई भी मेहंदी लगाने के बाद एलर्जिक रिएक्शन जैसा हो रहा है, खुजली हो रही है, लालपना आ रहा है, दाने आ रहे हैं, वहां पर लाल हो रहा है, सूजन आ रही हाथ में, तो ये एलर्जिक रिएक्शन है. तुरंत हाथ को अच्छे से धो लीजिए, वहां पर जितनी मेहंदी है उसको हटा लीजिए ताकि और एलर्जी ना हो, और उसके ऊपर आपने तुरंत किसी प्रकार का मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा लेना है, एलोवेरा जैसा या कैलामाइन लोशन आप लगा सकते हैं, ये तुरंत करना है. और अगर आपको हैवी एलर्जिक रिएक्शन आ चुका है, सूजन आ चुकी है, ब्लिस्टर आ चुका है, तो फिर उस पर आपको डॉक्टर के द्वारा दी गई क्रीम्स लगानी पड़ेगी. इस पर ट्रॉपिकल यानी ऊपर से लगाने वाली स्टेरॉइड क्रीम लगाई जाती है, बिकॉज यहां लिटरली केमिकल बर्न्स हो सकते हैं अगर वहां पर वो केमिकल रह गया, पीपीडी. सो काली मेहंदी डेंजरस हो सकती है कुछ लोगों के लिए. सो हमेशा कोई मेहंदी लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा, थोड़े देर के लिए अपने हाथ में लगा के टेस्ट कर लें कि भाई मैं एलर्जिक तो नहीं हूं, और अगर आपको ज्यादा एलर्जी हो रही तो डॉक्टर से टॉपिकल स्टीरोइड क्रीम आप ले सकते हैं, जैसे फ्यूसी बेट आती है, बेक्लोमेटासोन की क्रीम्स आती है, बीटासोन की क्रीम आती है, बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जो टॉपिकली डर्मेटाइटिस के लिए दिए जाती हैं. इसके अलावा कई बार आपके सिवियर रिएक्शंस में टॉपिकली लगाने वाले टैक्रोलिमस जैसे आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको भी दबाने की दवाई दी जा सकती है, ताकि इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं ताकि आपके वहां उस एरिया में होने वाली रिएक्शन को रोका जा सके. टैक्रोलिमस जैसे वो सीरियस केसेस में दिए जाते हैं, और बहुत ही सीरियस हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग जैसे सिचुएशन या पूरी बॉडी में अगर रिएक्शन आ रहा है तो फिर आपको स्टीरॉइड की गोलियां भी लेनी पड़ सकती हैं. मगर ये सारी चीजें याद रखिएगा, ये टेम्पररी लेना है. अगर आप इसे बहुत हैवी डोज में लगाने लग गए, खुद से क्रीम या गोलियां खुद से खाने लग गए स्टीरॉइड की, तो कई बार ऐसी एलर्जिक रिएक्शन और ज्यादा मात्रा में होने लग जाते हैं. तो इसको कम मात्रा में आपको लगाना है, जैसा डॉक्टर बताते हैं वैसा ही लगाना है, एंड दे शुड बी यूज ओनली फॉर अ शॉर्ट
पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा इसके ऊपर मॉइस्चराइजर, इसको अच्छा मॉइस्चराइज्ड रखना है एरिया को, और समय के साथ अपने डॉक्टर को दिखाते रहना है एलर्जी बढ़ रही है या नहीं। और अगली बार कोई भी ब्लैक हेना, काली मेहंदी या कोई भी डाई हेयर डाई यूज करने से पहले उसका लेबल पढ़ लेना है, उसमें पीपीडी नामक केमिकल तो नहीं है। बहुत जरूरी है ये, जरूर इस वीडियो को शेयर करें अगर आप समझते हैं कुछ लोगों का इसमें जरूर फायदा होगा। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड हैप्पी फेस्टिवल टू एवरीबॉडी।